अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक आपको घुमा के रख देगा। आप खुद कहेंगे कि हमारे लोगों ने किया क्या है। आज के टॉपिक का टाइटल जो है वो है पाकिस्तान में पैसा नहीं अकल की कमी है। बस इससे ज़्यादा मैं टाइटल पे नहीं बोलूँगा। सूरत हाल ये है कि 1.5 अरब डॉलर की सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं, 2.5 अरब डॉलर का कैनोला मील इंपोर्ट हो रहा है, तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब पाम कर्नल केक और सनफ्लावर इंपोर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल मिला के, तो ये आपकी पोल्ट्री फीड और कुछ चीज़ें जो हैं वो डेयरी फीड में इस्तेमाल होती हैं। अब तकरीबन 4.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट सिर्फ हम मुर्गियों को खिला रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री ये कहती है कि जनाब हमारे पास प्रोटीन सोर्स नहीं है। आज ज़रा इस बात का एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई हमारे पास प्रोटीन नहीं है या इनके पास अकल नहीं है। सूरत हाल ये है कि एक मैंने डाटा इकट्ठा किया, तो उस डाटे के मुताबिक जब आप इस डाटे को एनालाइज करेंगे और इसका नतीजा अखज़ करेंगे तो आपके हवास ख़ता हो जाएंगे। पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में कुर्बानी पे तकरीबन 38,000 टन ओजरी ज़ाया होती है, और अगर आप पूरे पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा करें, मैंने क्योंकि सिर्फ लाहौर का डाटा लिया और वो भी WMC वालों जो है, जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं उनसे, तो पता चला कि 38,000 टन ओजरी बकरीद पे एक दिन में ज़ाया हो गई। अब अगर एनालिसिस करें तो लाहौर से तकरीबन डबल आबादी कराची की है, और फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिशावर, ये बड़े बड़े शहर में हैं, गुजरांवाला, यहाँ पे कितनी होती होगी। तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3.5 लाख टन ओजरी ज़ाया हो रही है। अब इसका ज़रा आगे तकाबली जायज़ा लें तो सोयाबीन में 44% प्रोटीन होती है, जबकि ओजरी में 72% प्रोटीन है। ओजरी में फैट कंटेंट्स भी हैं, लेकिन सोयाबीन मील जो है उसके फैट कंटेंट्स निकल जाते हैं और वो ऑयल की सूरत में हम खाते हैं। यानी ओजरी ऑयल से भी रिच है, फैट कंटेंट्स भी ज़्यादा हैं और इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है, और इसमें फाइबर ना होने के बराबर है, क्योंकि ज़ाहिर है मीट है तो मीट में फाइबर नहीं होता। अब अगर सिर्फ इस ओजरी को प्रोसेस कर लिया जाए, और वो भी कुर्बानी के दिनों में, तो सिर्फ कुर्बानी के दिनों में सिर्फ प्रिजर्व करना है, इस्तेमाल पूरा साल आहिस्ता आहिस्ता कर लें, आप इकट्ठी ना करें, क्योंकि असल मसला इसका ये है कि इसको क्यों इकट्ठी आती है तो ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे, और बकरीद आजकल क्योंकि गर्मियों में आ रही है काफ़ी सालों से, तो इसलिए ये रिस्क होता है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, और हो भी सकती है। लेकिन इसका इतना आसान तरीका है इसको प्रिजर्व करने का कि आप कहेंगे कि यार ये पहले हमारी अकल में क्यों नहीं आया। अगर आप गौर करें तो जो खालें कुर्बानी पे आती हैं तो उनको नमक लगा के रखा जाता है। अगर इसी तरीके से आपके एक पानी के अंदर अगर 8% साल्ट डाल दिया जाए, नमक, तो वो एक सेलाइन सॉल्यूशन बन जाता है, या ब्राइम सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं, और उसमें जो भी चीज़ डिप कर दी जाए, और गोश्त हो या जैसे चिकन, मछली, कोई भी चीज़ ऐसी हो, वो उसमें अगर डिप कर दी जाए तो वो ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि 8% ब्राइम सॉल्यूशन में या साल्ट सॉल्यूशन में आपके बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे तो फिर ये ओजरी ख़राब नहीं होगी। अब इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए बेसिकली एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मैं देने को तैयार हूँ, और सरमायादार लोग चाहिए, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है, रुपये की बात नहीं हो रही, डॉलर्स की बात हो रही है,
अरबों डॉलर की बचत हो सकती है सिर्फ इस एक चीज़ को संभालने से। लेकिन हमारे साइंसदानों ने कुछ नहीं किया, हमारे लाइफस्टॉक एक्सपर्ट्स ने कुछ नहीं किया, डिग्रियां लेके सिर्फ नौकरियां की हैं और मरात ली हैं, यानी पेंशन लेके, इंक्रीमेंट लेके और दूसरे मुल्कों की सैरें करके, जबकि हमारे पास ये अल्लाह ताला का दिया हुआ शानदार तोहफा था। अब आपको शायद याद हो, अगर आपके नानियाँ दादियाँ जिंदा हैं, तो मेरी नानी भी ये किया करती हैं। उनको, मेरी नानी को पता था, लेकिन इन साइंसदानों को नहीं पता। वो गोश्त को उस वक्त फ्रिजें नहीं हुआ करती थी कि फ्रीज कर लिया जाए, तो गोश्त को नमक लगा के एक रस्सी पे प्रो के तो लटका देती थी, और जब वो खुश हो जाता था तो पूरा साल उसी को पकाती थी। अब ये प्रोसीजर भी एक इसी तरीके से है कि नमक ज़्यादा अगर लगा दिया जाए गोश्त को तो वो ख़राब नहीं होता। अगर आप एक तालाब ले लें जो 1 एकड़ में या 2 एकड़ में या 10 एकड़ में, जैसे रावी जो सड़क जा रही है सियालकोट को, वहाँ पे जैसे ही रावी क्रॉस करते हैं, जहाँ पे वो वाकया भी हुआ था, औरत के साथ एक रेप हुआ था, और तो वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे कई 100 एकड़ जगह गहरे वो बनी हुई है और खाई बनी हुई है, उसमें पानी भी रावी का डाला जा सकता है और नमक हमारे यहाँ वैसे सस्ता है ये। लेकिन ये काम कोई गवर्नमेंट लेवल का बंदा कर सकता है, आम बंदा तो नहीं कर सकता। या बहुत जैसे मलक रियाज साहब हैं, ये अगर तवज्जो दें तो इसको किया जा सकता है, सरमाया तो बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो अगर इसमें नमक 8% नमक पानी में हल करके, तो इसको इस पानी में आप ओजरी कुछ डाल दें, लेकिन उसके लिए हमें कुछ फर्श पक्का ताकि मिट्टी ना मिले अंदर, तो वो करना पड़ेगा। तो अगर कर लिया जाए तो मुल्क का अरबों डॉलर का सरमाया बचाया जा सकता है, और इससे फैट भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, जो हम एनिमल टैलो बाहर से इंपोर्ट करते हैं सोप इंडस्ट्री के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो उस जगह पे इसकी जो फैट है वो डेट इज़ आल्सो एनिमल टैलो। टैलो कहते हैं चर्बी को। तो ये चर्बी जो है ये सोप में भी चली जाएगी, एनिमल फीड में भी चली जाएगी, और प्रोटीन जो है वो इससे ग्रोथ इतनी तेज़ होगी कि आप ये यूं समझ लें कि जो 2 किलो प्रोटीन इन शेप ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन के 2 किलो डलने हैं जहाँ पे, तो इसका 1 किलो डलेगा। और क्योंकि एनिमल प्रोटीन है तो इसमें लाइसिन, मिथायलिन और सिस्टीन, ये सारे आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, ये जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, वो इसमें वाफर मिकदार में मौजूद हैं। तो क्यों ना ऐसा एक काम किया जाए, और अगर किसी ने सीखना है तो मेरे पास आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे इस बात का इसलिए तजर्बा है कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट पहले करता रहा हूँ। मैं पाकिस्तान आर्मी के कुछ प्रोजेक्ट किया करता था जिसमें मीट उनको पैक करके देना होता था और उसकी 1 साल की वारंटी होती थी। तो जब आर्मी को जो मीट जाता है वो ब्राइम सॉल्यूशन में डिप करके डाला जाता है, और हमारे जो जवान सियाचिन ग्लेशियर पे या दूर दराज चोटियों पे बैठे हुए हैं, वो पूरा साल उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, ये भी गोश्त है, तो क्यों ना इसको एक एज ए प्रोटीन सोर्स किया जाए और इम्पोर्ट को बंद कर दिया जाए। और जब ये बंद हो जाएगी तो हमारी जो पोल्ट्री जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, एक तो फीड की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, आधी रह जाएंगी, फिर हम इंडिया से भी कम्पीट कर पाएंगे कि हमारा जो है फीड की प्राइसेस, जैसे उनका फार्मर इंजॉय कर रहा है, हमारा फार्मर भी ऐसे इंजॉय करेगा। और जब ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगी तो उसके बाद गोश्त सस्ता हो जाएगा और लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को संभाला जाए। तो अगर गवर्नमेंट सोई हुई है तो उसको ख्वाबे खरगोश में सोने दें। हम अपने तौर पे जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो इसको टेकअप कर सकते हैं और मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि इसको कैसे, मैंने ये सारे ट्रायल किए हुए हैं। इसलिए जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती राय है कि ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है।
तो अगर मेरी ये वीडियो कोई सरमायादार इस तरह के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आओ भाइयों, अपने मुल्क को अगर संवारें तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मिलके अपने मुल्क को संवारते हैं, अपनी इंडस्ट्री को दोबारा स्टैंड करते हैं, और इस तरीके से हमारे लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।